गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी। सो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो घर पे और बहुत ही अच्छे से अपना पढ़ाई भी कर रहे हो। आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। ओके, सो इट्स योर हिंदी क्लास वर्क। ओके, नर्सरी हिंदी क्लास वर्क एंड टुडेज डेट इज 6th of November 2020. So let's start our today's Hindi class. Okay. So students, आप लोगों के अक्षर परिचय बुक्स में पेज नंबर 36 पे आज हम कुछ नया अक्षर सीखने वाले हैं। ये जो अक्षर है ये है य। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि ये कौन सा अक्षर है। इस अक्षर से बने एक शब्द हम सीखेंगे और उस अक्षर को हम लिखना भी सीखेंगे, ठीक है? ओके, सो स्टूडेंट्स, आज से हमारा SHE का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, तो चलो आज हम अपना नया क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें बताइए कि ये कौन सा अक्षर है। ये है य, ठीक है? और य से बने एक अक्षर हमें बताइए तो आप क्या बोलेंगे? यज्ञ, ठीक है? देखिए, ये जो ऋषि मुनि है या फिर सॉरी ये एक राजा है। ओके, तो ये राजा क्या कर रहा है? ये यज्ञ कर रहा है, ठीक है? तो ये कौन सा अक्षर है बताइए? ये है य। ओके, तो य से बने शब्द यज्ञ, यज्ञ, ठीक है? सॉरी। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि यह कैसे लिखते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे यह लिखेंगे। यह कैसे लिखते हैं? यज्ञ। सबसे पहले हम मात्रा देंगे, उसके बाद ये हो गया य, फिर से हम लिखते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये कौन सा अक्षर लिखा है अभी? य। तो य से होता है यज्ञ, ठीक है? ये है यज्ञ। तो आपके टेक्स्ट बुक में य से यज्ञ है, तो ये शब्द सीखना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, तो आपको ये जो अक्षर है ये आपको याद रखना है और इस अक्षर से बने एक शब्द आपको याद रखना है। ओके, तो याद रहेगा। तो पेज नंबर 36 में आज हमने ये सीखा है कि ये है य और य से बने एक शब्द है यज्ञ, ठीक है? तो चलो आज का हिंदी क्लास वर्क यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू। घर पे ये अच्छे से आप लोग सीखिएगा और इसको याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू।